आगे बढ़ते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के हिसाब से सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जानना चाहिए। इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाम सुना है? सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक रफ सरफेस पर मोशन में है, तो ये रफ सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये मोशन में है, तो इस पर फोर्स क्या क्या लगेगा। इस पर ये सरफेस एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यस सर। और यही सरफेस इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगा। यही सरफेस इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगा। यस सर। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मोशन इधर हो रहा है तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर ये दो फोर्सेस लगा रहे हैं, है ऐसा? यस सर। इस ऑब्जेक्ट पर ये सरफेस ये दो फोर्सेस लगा रहे हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, दोनों सरफेस ही लगा रहा है ना? यस सर। तो कोई पूछे कि ये सरफेस टोटल फोर्स कितना लगा रहा है, तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। होगा ना? हाँ सर। ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन, इन दोनों का वेक्टर सम ये होगा। है ना? हाँ सर। तो ये जो वेक्टर सम होगा ये आपका हो गया रिजल्टेंट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन अपॉन एन के बराबर होगी, होगी होगी। यस सर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन होती है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी टैन इनवर्स म्यू, म्यू अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि कुछ यहाँ पर मुझे लगता है कि वन नोट में प्रॉब्लम है, नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो लिखता हूँ ये टैन इनवर्स म्यू होगा। हाँ सर। इसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। ठीक है, देखो ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है, स्टॉप शेयर करके एक बार दोबारा करते हैं। देखो बताइए, ये वन मोड का प्रॉब्लम है।
सब हो रहा है। दिख रहा है? हाँ सर। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, इसका डेफिनेशन हुआ, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स is called angle of friction. Clear hai? Yes sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ऐसे ही एक और टर्म है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज।
एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है कि जैसे देखो जैसे ये डायरी दिख रही है सबको, यस सर, अगर हम इसको टिल्ट करते जाएं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो ये माउस धीरे से एक एंगल के बाद गिरना शुरू हो जाएगा, है ना? यस सर। अभी नहीं गिर रहा है, टिल्ट किया थोड़ा नहीं गिरा, थोड़ा और तो एक एंगल के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम एंगल है जहां तक ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग मोशन का अपोज कर सकता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। सो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का एंगल थीटा है और इस थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू होता है। स्लाइड करना शुरू होता है मतलब ये एम जी साइन थीटा होगा, सबको मालूम है। हाँ सर। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर होगा, ये भी सबको मालूम है। ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, ये भी सबको मालूम है। और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस सरफेस के लोअर एंड पे यहां एक्ट करेगा, करेगा? हाँ सर। तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना तब शुरू करेगा जब एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या बड़ा हो जाए। हाँ सर। सो तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग when mg sin theta is equal to friction force का maximum value, ठीक है, greater equal to कह दो, ठीक है, so greater equal to mu n, that is greater equal to mu mg cos theta, तो यहां पर हो गया tan theta greater equal to mu, so theta greater equal to tan inverse mu, ऐसा होगा? Yes sir। तो ये जो theta is minimum theta है वो tan inverse mu है। minimum angle जिस पर कि ये slide कर सकता है वो tan inverse mu है। कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर सकता है ना, एक्सेलरेशन जीरो होगा टेन इनवर्स में ऊपर, ठीक है, बट उससे कम म्यू की वैल्यू में तो स्लाइड करेगा ही नहीं। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है? यस सर। तो इन जनरल समझो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो किसी इंक्लाइंड सरफेस पर है तो दो बातें होंगी, इफ थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स म्यू फिर तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, होगा ना? इफ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, आई मीन थीटा इज ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू, ऐसा समझो, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, एक्सेलरेशन जीरो और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू तो एक्सेलरेशन जीरो बट ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, रेस्ट पर होगा जरूरी नहीं है, ठीक है,
लेकिन अगर थीटा ग्रेटर देन टैन इनवर्स म्यू हो तो एक्सेलरेशन होगा कितना, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम, कॉमन सेंस है, समझ रहा है कि नहीं? यस सर। सो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है ये सर। क्लियर है एंगल ऑफ रिपोज? यस सर। कॉपी कर लो इसको।
हुआ? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक, क्वेश्चन करो। दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। कोशिश करो।
बोलो कुछ आइडिया। सर एक मिनट और बताऊं? नहीं सर एक मिनट सर एक मिनट, चलो 5 मिनट और दिया। 37 हो रहा है, 42 में पूछता हूँ। सर आ गया बोलो। क्या है आंसर बताओ? सर कांटेक्ट फोर्स जीरो होगा ना? पता नहीं, देखते हैं। और एक्सेलरेशन पहले वाले का 2 आया, दूसरे वाले का 4.5 आया। देखते हैं, मुझे लगता है गलत आया। वन केजी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। वन केजी पर ये 1 kg वाला है मान लो, ठीक है। तो इसका खुद का वेट 10 न्यूटन नीचे होगा। यस सर। ये 37 डिग्री होगा, cos 37 कितना होता है? 4/5। तो ये 8 न्यूटन इधर, नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर, और इसका साइन 37 कितना होता है? 3/5, तो 6 न्यूटन इधर होगा। यस सर। इसी तरह इसकी कहानी देखो, वो 20 kg है, सब कुछ डबल डबल 2 kg है, तो ये 20 न्यूटन ये 37 डिग्री
ये 20 cos 37 मतलब 16 न्यूटन, ये 20 sin 37 मतलब 12 न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन 2। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के यहां पर जो फ्रिक्शन होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 0.2 है तो 0.2 × 16 कितना होगा, 16/5 3.2 न्यूटन मैक्सिमम। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना होगा, 8 × 0.5 4 न्यूटन मैक्सिमम होगा। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर है तो ये इस पर फोर्स एन इधर लगा रहा होगा और ये इस पर इतना ही फोर्स एन इधर लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, होगा। हाँ सर, ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया। हाँ सर। और अगर दोनों कांटेक्ट में है तो कॉमन एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहे हैं। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो 6 + n − 4 = a, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो 12 − n − 3.2 = 2a। मिल गया ये दोनों। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो 12 + 6 = 18, 18 − 7.2 कितना होगा सर, एक्सेलरेशन 18/5 होगा। ट्वेल्व प्लस सिक्स 18, 18 − 4 = 14, 14 − 3/2 कितना होगा, 10.8 दिस इज इक्वल टू 3a, सो कॉमन एक्सेलरेशन a इज 3.6 m/s² आंसर। अच्छा नहीं, एक्सेलरेशन, अच्छा हाँ एक्सेलरेशन भी पूछा है, एन भी पूछा है, तो इस ए की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया इस ए का वैल्यू, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस टू दैट इज 3.6 − 2 दैट इज 1.6 न्यूटन। यस सर। आया समझ में, इसमें क्या नहीं होना था बताओ, क्यों नहीं हुआ था, जल्दी कॉपी करो। सर पहले यही आंसर आया था एक्चुअली, फिर सोचा था गलत है, फिर क्या हुआ, फिर गलत है करके लगा इसलिए। आगे बढ़े। हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन है, म्यू का वैल्यू चेंज कर देते हैं। चेंज मतलब इसमें ऊपर वाला 0.5 था, ऊपर वाला 0.2 था तो इसको 0.2 कर देते हैं, नीचे वाला 0.5 था तो इसको 0.5 कर देते हैं। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करो, म्यू का वैल्यू इंटरचेंज कर दिया है मैंने और कुछ नहीं, कोशिश कर सकते हो। यस सर। यस सर।
सर एक्सिलरेशन 2.8 मीटर पर सेकंड। स्वेयर गलत है। बोलो आया कुछ और किसी को? सर अलग अलग एक्सीलरेशन आएगा ना स्पेस में। हाँ और कांटेक्ट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, कांटेक्ट फोर्स भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बट कितना कितना होगा? सर पहला वाला 4.4 और दूसरा वाला 2 मीटर पर सेकंड। सर देखते हैं। एक चीज देखो ध्यान से सब, कॉपी मत करना अभी, इसमें मैं चेंजेस करूंगा। अगर इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करें तो ये जो 8 न्यूटन है और ये जो 3.2 न्यूटन है, इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 8 न्यूटन और ये हो जाएगा 8 × 0.2 1.6 न्यूटन होगा ऐसा। हाँ सर। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखें तो 6 माइनस यहां पर 1.6 होगा और यहां पर 8 होगा कुछ ऐसा। हाँ सर। तो यहाँ पर 1.6 होगा, यहाँ पर 8 होगा। तो ये जब सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 2.8। टू पॉइंट एट आता है पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया ए का वैल्यू।
ए 2.8 मान लो मिल गया। इस ए को यहां पुट कर दिया तो एन कितना मिला, बोलो सर। पर एक्सेलरेशन अलग होगा ना। सुन ना सही भाई, क्यों बोलते हो, एन कितना मिला बताओ। जीरो। क्या चलो 2.8 को यहाँ पुट करो तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2.8 प्लस 1.6 माइनस 6, तो ये कुछ नेगेटिव आया। हाँ सर। तो जैसे ही पिछली बार के जैसा सॉल्व किया और ये मुझे नेगेटिव आ गया, यहीं पर मुझे सोचना चाहिए कि कुछ तो गलती हो गई, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ओके सर। दो ऑब्जेक्ट के बीच नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस या दो ऑब्जेक्ट के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है, ये या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव का मतलब है दे आर नॉट इन कांटेक्ट, है ना। आई बात समझ में। हाँ सर। तो ये दोनों जब कांटेक्ट में नहीं है, ये बात समझ आ गई, इसका मतलब है इस कैलकुलेशन में जो हम लोगों ने कॉमन एक्सेलरेशन मान के सॉल्व किया है ये गलत है। दे विल नॉट मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन, है ना। कांटेक्ट में कॉमन एक्सेलरेशन होता तो कांटेक्ट में रहता ना। समझ आया। हाँ सर। हाँ सर। सो दे विल मूव सेपरेटली। तो दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, मतलब सिक्स प्लस और दे विल मूव सेपरेटली एंड वैल्यू ऑफ एन इज जीरो। कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा तो एन कहां से रहेगा, एन नहीं रहेगा, है ना। हाँ सर। सामने वाले का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सामने वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा सिक्स माइनस 1.6 इज इक्वल टू ए 1, कितना हो गया 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg वाले का ये एक्सेलरेशन हो गया, इसका हो जाएगा 12 - 8 4 इज इक्वल टू 2a2। तो a2 की वैल्यू हो गई 4 m/s² दिख रहा है। आगे वाला क्या बोल रहे हो, 2 आएगा तो 2 कर लो। सो पीछे वाले का एक्सेलरेशन आ गया 2 m/s², तो पीछे वाला स्लो है आगे वाला फास्ट है, दोनों में सेपरेशन हो जाएगा, दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये हमारा आंसर होगा। चमका कोच। हाँ सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। एक और देखो। हल्के में मत लेना इसको, अच्छे से सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है एक।
सर 4 न्यूटन। रॉन्ग आंसर है, रेंज ऑफ फोर्स पूछा है ना, तो दो वैल्यू होगी ना। 4 to 12 है। फोर टू ट्वेल्व पता नहीं, तो सॉल्व करूंगा, बट रेंज पूछा है ये पक्का है। तो आंसर भी बताता हूँ, रुक जाओ, आंसर ढूंढना पड़ेगा पीछे। बट जो भी तुम्हें आया, कैसे आया, कैसे किया? फ्रिक्शन हर बार लेस देन इक्वल टू न्यू एन होगा ना, हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू न्यू एन होगा, मिनिमम वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो जब न्यू एन का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब एफ का वैल्यू मिनिमम होगा, जब न्यू एन का वैल्यू मिनिमम होगा एफ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और कोई बोलो। कोई तो बोलो। सर वो इंक्लाइन मूव नहीं करेगा ना? नहीं भाई, वो फिक्स्ड है। अब तो कुछ बोलो। सर फ्रिक्शन तो लेस देन और इक्वल टू न्यू एन होगा ना, सर तो जीरो भी हो सकता है ना फ्रिक्शन? हो सकता है। सर तो जब जीरो होगा तो एफ का वैल्यू एम जी साइन थीटा होना चाहिए। अरे वही आंसर को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो, रॉन्ग बोला ना। देखो इधर, चलो सब ध्यान से देख।
डायग्राम दोबारा नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे, तो मूव नहीं करने का दो मतलब है, ना ऊपर मूव करे ना नीचे मूव करे, है ना। तो एक पार्ट ये रखते हैं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दम बगल बगल ताकि तुम्हें समझ आए, लिखना मत, ध्यान से देखो, लिखना मत, मैं पहले ही बोल रहा हूँ तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। फर्स्ट केस, एक ही बार लिखना। फॉर नॉट मूविंग अप, मतलब ऊपर नहीं जाए, ठीक है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं ये देखने का कि ऊपर नहीं जाए, ठीक है। और सेकेंड केस में इसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे नहीं जाए, for not going down, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 2 kg का 20 N इधर, 20 N का cos 37 कॉम्पोनेंट इधर और sin 37 कॉम्पोनेंट इधर। जो cos 37 वाला कॉम्पोनेंट है वो कितना होगा, ओ भाई साहब, F प्लस फ्रिक्शन 3 N। क्या F प्लस फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं तुम लोगों को, 20 × cos 37 16 N, 20 × sin 37 कितना होगा, 12 N। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इधर भी, और यही फ्री बॉडी डायग्राम यहां तक इधर भी हो गया। ये 16 N, ये N और ये तुम्हारा हो गया 12 N। ध्यान से समझो फ्रिक्शन का रूल, पहले केस में इसको ऊपर नहीं ले नहीं जाने देना है, तो ऊपर नहीं जाने देने से 12 N भी रोकेगा और फ्रिक्शन भी रोकेगा। अगर ये ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये फ्रिक्शन और ये 12 N दोनों रोकेगा, हाँ सर। और अगर ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये F और ये फ्रिक्शन ये दोनों रोकेगा, यस सर। चमक रहा है साहब, तो ये ऊपर नहीं जाए, मतलब F शुड बी लेस देन इक्वल टू 12 प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना। हाँ सर। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 8 N। 8। सो F शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 N इधर आ गया। इस साइड देखो, नीचे नहीं गिरे, नीचे नहीं गिरे मतलब 12 इज लेस देन इक्वल टू F प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू F प्लस 8।
So f should be greater than equal to 12 minus 8. So f should be greater than equal to 4 newton. इसका मतलब ये हुआ कि 4 न्यूटन से 20 न्यूटन के बीच में रहेगा तो न तो नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा. समझ आया? ओके सर. यस सर. 4 से छोटा होगा तो नीचे चला जाएगा, 20 से ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा. 4 और 20 के बीच में न तो नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा. समझ आया सबको? यस सर. कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? नो सर. पक्का? यस सर. कॉपी कर लो जल्दी. आगे बढ़ूं? हो गया सर. आगे बढ़े? हाँ सर. एक और देखो, फोर्थ क्वेश्चन. इसमें चार पॉसिबिलिटी है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और एक और मैंने ऐड किया 4 सेकेंड. कोशिश करो इसको सॉल्व करने का. सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सबसे होगा.
आया कुछ? बोलो। बोलोगे? अब जब अलग हो यार तुम लोग। लॉज ऑफ मोशन में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है तुम लोग? किया है सर। तुम लोग का रिस्पांस देख के मुझे नहीं लगता कुछ किया है तुम लोगों ने। मुझे लगता कि तुम लोगों ने एस सी वर्मा भी ठीक से किया है। आई डाउट। ये 1 kg का 10 newton और ये नॉर्मल रिएक्शन 1, ये 2 kg का 20 newton, ये नॉर्मल रिएक्शन 2। फ्रिक्शन फोर्स 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका? इसको 2 कह दो। चलो फ्रिक्शन फोर्स 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 10 newton। 10 newton होगा। चलो कुछ तो बोला। फ्रिक्शन फोर्स 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 6 newton। ओ भाई। ए पार्ट में एफ कितना हो गया? 5 newton। तो F 5 newton हो गया। तो इस ब्लॉक को देखो, ब्लॉक A को, ये 5 newton है। फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है, मतलब कहीं नहीं जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्योंकि फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन ही इसको बैलेंस कर लेगा। टेंशन की वैल्यू 0। अब दूसरे वाले ब्लॉक बी पर देखो, टेंशन की वैल्यू 0 और फ्रिक्शन 1/6 तक अवेलेबल है, मतलब फ्रिक्शन 1 भी 0 होगा। ए पार्ट हो गया? हाँ सर, ए पार्ट आ गया। बी पार्ट थोड़ा प्रॉब्लम है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 में कितना होगा? 10 newton। एफ हो गया 10 newton। तो F 10 न्यूटन हो गया। फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन 2 10 न्यूटन कहीं नहीं जाने देगा। अगेन टेंशन इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 0। सी पार्ट में आओ। F का वैल्यू 15 newton। टोटल अपोजिंग फोर्स 16 तक है, तो 16 तक कहीं नहीं जाएगा। तो F अगर 15 है, मींस फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम 10 तक अवेलेबल है, तो 10 रहेगा। बाकी जो 5 बच गया वो टेंशन इन द स्ट्रिंग रहेगा। और टेंशन 5 है, फ्रिक्शन 1/6 तक अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन 1 भी 5 न्यूटन हो गया। हो गया? हाँ सर। तो ए बी सी तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए था। मैंने दिया था सिर्फ डी क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसके लिए। डी में टी फोर है, मतलब एफ की वैल्यू 20 newton। 20 newton, तो एफ 20 newton है।
विच इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन वन का मैक्सिमम वैल्यू प्लस फ्रिक्शन टू का मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा है ना? हाँ सर. इसका मतलब मूव करेगा? हाँ सर. हेंस सिस्टम विल मूव. मूव करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 10 माइनस t इज 2a और इधर t माइनस 6 इज इक्वल टू a, होगा ऐसा? यस सर. मूव करेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, दोनों को ऐड कर दो. सो 4 इज इक्वल टू 3a मीन्स एक्सेलरेशन इज 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो तो टेंशन टी क्या हो गया, 6 प्लस ए दैट इज 6 प्लस 4/3 दैट इज 22/3 न्यूटन. टेंशन का आंसर हो गया. फ्रिक्शन टू मैक्सिमम लगेगा 10 न्यूटन, फ्रिक्शन वन मैक्सिमम लगेगा 6 न्यूटन. सारे आंसर मिल गए? आया समझ में? यस सर. कॉपी कर लो. कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो. सर लिख लिया. आगे बढ़े? यस सर. सबका हो गया लिखा हुआ? हाँ सर. बाकी जनता भी कुछ बोलो, किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है. सर लिख लिया. चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखो. क्या है कि थ्योरी फ्रिक्शन की खत्म हो चुकी है, इतनी है. ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप्स हैं जिसकी कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम करते करते ही सीखोगे. तो ये जितना थॉट प्रोसेस हो सकता है सिखा देता हूं मैं. कौन सा नंबर होगा? 5th होगा ये. हाँ सर. इसको कोशिश कीजिए.
बोलो तो सही आया कुछ? बोलो थर्टी न्यूटन। चलो ऐसे सोचते हैं, दो बातें हो सकती हैं। फ्रिक्शन को अगर छोड़ दो, ध्यान से सुनो सब, फ्रिक्शन को अगर छोड़ दो तो नेट फोर्स कितना दिख रहा है? 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, और दोनों फ्रिक्शन मिला के 150 न्यूटन है, मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। ये समझ में आ रही है? एफ नेट इज लेस देन फ्रिक्शन वन का मैक्सिमम वैल्यू प्लस फ्रिक्शन टू का मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा? अगर राइट मतलब लेफ्ट जाएगा तो दोनों पर फ्रिक्शन राइट में लगेगा 150 मिला के। हाँ सर। मतलब कहीं नहीं जा रहा, ये पक्का है। बोलो सर। तो कहीं नहीं जा रहा, ये पक्का है। अब दो बातें हो सकती हैं पूछने का तरीका। अब अगर मैं ऐसे सोचूं, ध्यान से देखना, कि ये 100 न्यूटन है और ये फ्रिक्शन 60 है, मतलब ये 60 न्यूटन हो गया। जरूरत नहीं ऐसे क्यों सोचूंगा, चलो ऐसे सोचते हैं, ये 60 न्यूटन हो गया और टेंशन 40 न्यूटन हो गया, ऐसा सोच सकते हैं? यस सर। तो यहां पर भी टेंशन 40 न्यूटन हो गया और ये 120, तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 40 दूसरी जगह कैसे होगा? बड़ा कर देता हूँ, तुम लोग समझेगा ही नहीं तो क्या करूँ मैं। देखो इधर देखो, बड़ा कर देता हूँ। चल ऐसे देख, राइट या लेफ्ट कहीं से शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट केस हम राइट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो लेफ्ट से स्टार्ट करें, और ये 10 kg वाला इक्विलिब्रियम में है। हाँ सर। तो ये 120 इधर, मतलब ये 90 इधर, फ्रिक्शन पूरा, और 90 इधर, मतलब ये टेंशन का 30 इधर, तभी तो 120 होगा। हाँ सर। ऐसे ही टेंशन का 30 इधर और ये 100 इधर, और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन 70 होना चाहिए, होना चाहिए, जबकि 60 तक ही अवेलेबल है, इसलिए नहीं होगा। हाँ सर। पक्का? तो केस टू ध्यान से देखो सब। अब ऐसा सोचते हैं, तो इस बार तो लेफ्ट साइड से चले थे, अब राइट साइड से चलते हैं। ध्यान से देख सब, 100 इधर है
ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन पहले बैलेंस कर लेगा 60 न्यूटन। अब जो बच गया 100 में से 40 न्यूटन, ये टेंशन होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। हाँ सर। तो ये टेंशन 40 हो गया, हो गया। हाँ सर। सर ये 40 हो गया, ये 120 है, मतलब इधर फ्रिक्शन और कितना चाहिए? 80 न्यूटन चाहिए। अवेलेबल कितना है? 90 तक। हाँ सर। मतलब चलेगा ये काम? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन में लिख ही दिया है सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके ओके, लेफ्ट साइड भी बताने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? टेंशन इन द स्ट्रिंग 40 न्यूटन आंसर। आया समझ में? यस सर। पक्का? हाँ सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। यस सर। आगे बढ़िए। हो गया? एक और। इसको कोशिश करो। सिक्स होगा या फिफ्थ होगा? सिक्स। 37, 50। इस 50 को छोड़ दो, ये 50 नहीं, ये 50 की वैल्यू नहीं पता ना, तो इसको 53 कर दो। ठीक है? यस। ये अपनी जगह फिक्स। कोशिश करो।
सर 1 मीटर पर सेकंड सर। गलत है। वन बाय 15 मीटर पर सेकेंड गलत है। देखो इधर, ध्यान से देख सब। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका वेट इधर कितना होगा? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर होगा? फ्रिक्शन का बाद में देखते हैं। इसका वेट इधर कितना होगा? थ्री न्यूटन। बोलो, ये 53 डिग्री है। साइन 4/5 तो 4 न्यूटन होगा। यस सर। ये नॉर्मल रिएक्शन N1 कितना होगा? 8 न्यूटन होगा। यस सर। और ये नॉर्मल रिएक्शन N2 कितना होगा? 3 न्यूटन। फ्रिक्शन छोड़ के सारे फोर्सेस मैंने अरेंज कर लिए है ना। दो बातें हो सकती है, एक 6 वाला नीचे आए, आई मीन 10 kg वाला नीचे आए, 5 kg वाला ऊपर जाए। है ना। अच्छा चलो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम 2.4 न्यूटन। इसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? 1.3। अरे सब गलत कर लिया, ये 10 न्यूटन है ना, तो 10 का mg 100, बट ये 80 होगा, ये 60 होगा। ये 40 होगा, समझ रहा है? हाँ सर।
सब कुछ समझता है तुम लोग, यही दिक्कत है, अभी करता कुछ नहीं है। ये 30 न्यूटन होगा और ये जो फ्रिक्शन फोर्स 1 है यहाँ पर, जो फ्रिक्शन फोर्स 1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 80 × 0.3 24 न्यूटन। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स 2 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 × 0.1 3 न्यूटन होगा। हाँ सर, तो ऐसे तो मैं ओरली बोल सकता हूँ, नेट ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन है, 60 − 40। हाँ सर। और अपोजिंग फोर्स 27 तक मौजूद है, तो कोई कहीं नहीं जाएगा, है ना? हाँ सर। सो एक्सीलरेशन 0। अच्छा, सॉल्व करने जाओगे, मान लो सॉल्व अगर करना है, ये नहीं चमका तो ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन किधर जा रहा है। नहीं सर। तो मान लेते हैं 10 kg is going down and 5 kg is going up, ऐसा मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है? बोलना कुछ तो बोल। Yes, sir. ऐसा मान लिया तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, 60 − t − 24 = 10A लिखेंगे। दूसरे वाले क्या क्या लिखेंगे, t − 40 − 3 = 5A, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पीछे लगेगा सर, तो नेगेटिव आएगा। बोलो, ये दोनों इक्वेशन समझ आया? हाँ सर। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, मतलब जो हम लोग चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब दिमाग में दूसरा ख्याल आ सकता है कि अच्छा चलो उल्टा होगा शायद, यही है ना सर। अब ये ख्याल आ सकता है कि उल्टा होगा, 10 kg वाला ऊपर और 5 kg वाला नीचे जा रहा होगा सर। तो 10 kg इज गोइंग अप and 5 kg is going down, अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, 5 kg वाला नीचे जा रहा है, मतलब 40 − t − 3 = 5A, 10 वाला ऊपर जा रहा है, मतलब t − 60 − 24 = 10A, ऐसा होगा। इसको ऐड कर दो, अगेन एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, है ना? तो दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, नाइदर मूविंग अप नॉर गोइंग डाउन, इसका मतलब है सिस्टम एट रेस्ट। क्या क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा था या टेंशन पूछा था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 0 आंसर। समझ आया? हाँ सर।
ओके से वैसे मेरे से पूछोगे तो ओरली बोल सकते हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स 60 माइनस 40 20 है और नेट अपोजिंग फोर्स 27 है, 24 प्लस 3 मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लो, एससीवी में से क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व कर सकते हो। मैं लिख भी दूंगा अभी नोट्स भेजने के समय, 1 to 22 इनफैक्ट। तो वो आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए वो लोग लीव कर सकते हो। ठीक है? हाँ सर, चलो बाय।